पहुंच गए हैं दिवांशी औरों के घर में और दिवांशी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। तब शाम के 6:30 बज रहे हैं और आदि आ गया ट्यूशन से और मैं जा रही हूँ अभी दीपू औरों के घर में आदि और तमन्ना को लेके दीपू को रक्षाबंधन का गिफ्ट देने के लिए। और उसके बाद में मैं अपने गाँव के किसी को देखने के लिए जाऊँगी। दीदी आपने देखी होगी, दीदी को हमारे घर में आती रहती है, जब भी मेरे को कुछ तकलीफ होती है तो ज़रूर आते हैं देखने के लिए। तो उनके ना बहू का ना पथरी का ऑपरेशन हो रखा है तो उनको देखने जा रही हूँ मैं अभी। तो आदि और मेरे साथ आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मामा के घर में रहेंगे। चलो चलते हैं, देर भी हो रही है। चल तो मैंने बोला कि आदि ट्यूशन से आ जाएगा तो उसके बाद ही जाऊँगी मैं। कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के घर में जाते हैं और देर हो जाती है, तो मैंने बोला जब आदि ट्यूशन से आ जाएगा तब भी जाऊँगी मैं आराम से। तो ये ना हम देवू के लिए छोटा सा गिफ्ट लाए, तो चलो तब देने चलते हैं, फिर मम्मी को जाना भी है। तो पहुंच गए हम रुद्रोरों के घर में। दिव्यांशी ना अभी सो रखी है और भाभी और हॉस्पिटल जा रखे हैं और भैया है घर में, राशि अभी हॉस्पिटल में है और मेरे भांजे आ गए दोस्तों। दीपू को आ रही है नींद अभी और हम लोग ना अभी आधे घंटे हुए हैं आए हुए, है ना। मेरी सासू जी हॉस्पिटल में है ना अभी, उनका ऑपरेशन हुआ है पथरी का। और मेरी सिस्टर आ रखी है रक्षाबंधन का गिफ्ट देने के लिए देवांशी के लिए। और देवांशी सो रखी है, सो रखी है। तो क्या है इस पिटारे में देख लेना अभी देख ले, रुद्र खोल के देख। खोल मत, दीपू में देते, दीपू तो सो रखी है। देवांशी, देवांशी क्या गुड़िया है क्या? अरे वाह, देवांशी के लिए तो बहुत। देवांशी का छोटा बुल्ला, तीसरा बुल्ला आ गया। ये बुल्ली लग रही, बुल्ली तमन्ना ने की है पसंद। देवांशी भी उठ गई है, आपके लिए गिफ्ट है। खोलना उसको अब, अद्दू की तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट। रुक रुक रुक, अपने आप खोलेगी वो, देख लेना अपने आप खोलेगी बाद में। अभी वो नींद में है इधर, खोलने दे, खोलने दे, खोलने दे उसे। आहा, नींद आ रखी, दोनों की दोनों सो रखी हो, बुल्ली भी और बुल्ला भी। अरे नींद आ रखी है उसे, सोने दे। रुक रुक रुक, अपने आप खोलेगी बाद में। देखो सांस लेने के लिए छेद भी कर रखा है ना पहले वो आदमी। hey, मैं हूँ बाबी गर्ल। गुड़िया के मुंडे का भैर। अरे सही से पीछे से देखिए लगा हुआ पिन, इसको खोलो। hey, इसका उपकरण करें। उसके पैर बांधे हुए हैं। तमन्ना ने बोला ये सही रहेगा, मैंने बोला ठीक है। वही गाल की लाट रही हो। so, दोस्तों ये प्यारी सी गुड़िया है और जैसे ही इसका ये निकालते हैं ना, ये बैठ भी जाती हो, बैठ। चुप कराओ, चुप कराओ, चुप कराओ। दिव्यांशी लग रही, दिव्यांशी खुश हो गई। दिव्यांशी जल्दी जल्दी अंकल, आवाज आ गई थी। चुप हो जाए, चुप हो जाए। हाँ आप देवांशी देखो, देवांशी निकाल लेगी ये ओ माँ बच्चा अरे नाक के अंदर नहीं, मुंह के अंदर डालना है। कैप्टन, कैप्टन, अरे ये था हॉस्पिटल, ये था हॉस्पिटल ले जाओ। अरे रूनिच पकड़ दो, कोर हो रही है। कर ले, कर ले, जम जम काट देगा उसकी मुंडी। फिर निकाल, क्यों मार दिया बोल उसको। गुड़िया निकालता हूँ। हाँ तभी मैं जा रही हूँ, आज तो मन्ना ने यहीं पर खेल रहे हैं तो मैं जल्दी से आ जाऊंगी इनको लेने के लिए। तो बस पहुंचने वाली हूँ मैं दीदी वालों के घर में,
थकान भी आ गई मेरे को, दादी और आगे चले गए थे, मैंने बोला तुम चलो मेरे लिए लेट हो जाएगा थोड़ा। गोलू भारी है अभी, गोलू की नानी का घर है ये। ये है चाची और चाची का ना पथरी का ऑपरेशन हो रखा है, और वो है चाची की सास जो मेरी दीदी लगती है, और ये है दीदी की लड़की और ये है दादी और ये है चाची। तो ये ना आगे आ गए थे, मेरे को नहीं रुके बाय टाटा टाटा। तब आ गई मैं दिव्यांश गुरु के घर में, और अब मैं आदि और तमन्ना को लेके जाऊंगी घर, है ना, है ना। बाय बाय। अरे चुप हो जा, पास से देखा, पास से पूछे देखा, सारे तारे इन्होंने पता नहीं कौन से पुर्जा ज्यादा हिला दिया कि वो आवाज ही बंद नहीं हो रही इसकी। अब कौन सा बटन दबा दिया इन्होंने मेरे को, चुप हो गई हो गई, हाथ में चला मैं भी, हां नहीं तो फिर रोने लग जाएगी। अरे नंबर भेज में ले लो, मैं कर रही हूं। अरे नहीं अब बन गया ना, 5 मिनट इसे चुप रहने दे, बैठा देता हूं मैं तो। दीपू चुप रहने दे, कोई रहा अरे तो दुख क्यों कर रहा है? है? अरे तो वो लड़ने में तो फायदा क्या? वो नहीं जानो जो बोले दबे लेके जाना। चुप कर ले, चुप कर, ओ कर, ओ हम पे। हेलो। तो शिवाले, शिवाले जब कौन शिवाले? शिवाले सुन क्या ये? मामा के सामने। अब दे दिव्यांशी बोल रही है कि इसका बटन खोला, मैंने ना इसका सेल निकाल के उल्टा लगा रखा है, क्योंकि दिव्यांशी ना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रही इसको, तो इसके वजह से ना मैं सेल उल्टा लगा रखा है तब तक के लिए। उसको नहीं है पता दिव्यांशी को, मैंने बोला सो गई हो सुबह उठेगी आप। अब सुला दिया दिव्यांशी ने उसको, सो गई दिव्यांशी ने ना उसके पेट पुर्चे सब निकाल दिए। दिव्यांशी मत कर बाबू, उसके पे दर्द होता है उसको भी हाई हाई होती है ना, देख कन्हैया कुमार नीचे सुला दे उसको तब तक, नहीं नहीं करा दे, ओ करा दे बुली तो कच मोर कच मारे आले। चलो तो आप घर चलते हैं, और भाभी भी ना आने वाली है हॉस्पिटल से, और उनकी मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया है, और कल घर आ जाएंगे। और रुद्दू का मामा भी आ गया, आज ही रहेगा, उदास हो गई दिव्यांश ये बोल क्यों नहीं रही। बाय टाटा। देवांशी को तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटा बेबी मिल गया हो, है ना। क्या नाम रखा आपने इसका? देख रहे दोनों को बंद करके आ गई, बोली मैं आ रही हूँ तेरे साथ। देवांशी को ले जाने में आ जाऊंगा एक घंटे बाद। चप्पल पहना दीजिए। ये देखना ये बोल रहे हैं कि मैं आदि तमन्ना के साथ आदि के घर आ रही हूँ, ये ना गुड़िया भी नहीं छोड़ रही, ये गुड़िया को भी ले जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसे टीका लगाने ले जा रही होगी जन्म टीका लगाने ले जा रहे हैं इसे। देवांशी आ जा ऊपर, आ जा ऊपर, आ जा बेटा, कल आना कल। और आदि ना इधर, अब देखना ये अपने घर नहीं आ रहा, आदि ना हमारे घर पे रहना चाहता है, इसको ना कैप्टन के साथ खेलना है बस, तो ये अपने घर नहीं आ रहा, ये दोनों देखना मेरे घर के लिए तैयार हो रखे हैं। आ जा आ जा, हम नहीं आएंगे। हेलो ये देखना क्या करोगे वहां पर, तमन्ना के साथ खेलोगे? खेलेंगे क्या? खेलेंगे खेलेंगे हम तो। आ जा आदि, आ जा
जा पापा बुला रहे तेरे को ऊपर, शाबाश जा जा शाबाश, कल आना कल, अभी रात ज्यादा हो गई ना। जा दीपू शाबाश, मम्मी आने वाली है ना तेरी। क्या देखना, तैयार हो रखी है, चलो बस। तो आप पहुंच गए हम घर में और आप बनाएंगे खाना रात का, और तमन्ना के पापा भी आ गए। दिव्यांशी और रुद्रांशी को मैंने बोला कल आना, अब रात ज्यादा हो गई और आदि भी आ गया घर, और आदि बोल रहा है मेरे को तो जाना है। चलो तो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, और खाने में बना रहे हैं हम पनीर की सब्जी और चावल और रोटी। रोटी तमन्ना खाएगी और चावल तमन्ना के पापा के लिए और मेरे लिए, और आदि देखते हैं रोटी खाएगा कि चावल खाएगा पता नहीं। तो चलो तो खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और तमन्ना तो रोटी खा रही है और आदि भी रोटी खा रहा है। आज बना रखा हमने पनीर और मटर की सब्जी। तमन्ना ने भी सारे मटर निकाल के अलग रख दिए और आदि भी मटर को निकाल के इधर रख दे रहा है। इनको ना सिर्फ बस पनीर ही पनीर चाहिए, मटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मटर पसंद नहीं, इनको टमाटर चाहिए, ना इनको प्याज चाहिए, ना इनको मटर चाहिए, तो ना हमें खिलाना क्या है सब्जी। इनको कद्दू की भी नहीं चाहिए, लौकी भी नहीं चाहिए, टिंडा भी नहीं चाहिए, तो काहे की सब्जी लानी। कौन सी सब्जी खाओगे? बस हमारे घर में ना आलू आते हैं 5 किलो, और इतनी जल्दी खत्म होते है ना पता नहीं चलता, क्योंकि मैं साथ में ही ले आती हूँ आलू, क्योंकि आलू की सब्जी बहुत ज्यादा खाते है। इन्हें पराठे चाहिए, गुटके चाहिए, आलू की जैसे कैसी भी सब्जी बना दो, पर आलू की सब्जी चाहिए। चलो तो आप सोने की तैयारी करते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।